हेलो सब भाई, कैसे हो? आज के इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी के अंदर एंड काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड एंड काफ़ी मस्कुलर जो डॉग ब्रीड होती है वो लेकर आए हैं अमेरिकन बुली। गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में अमेरिकन बुली और एंड गाइस क्वालिटी वगैरह आप देख के पपीस की अंदाजा लगा ही सकते हो कितनी शानदार है एंड क्वालिटी के हिसाब से प्राइस गाइस काफ़ी ज़्यादा लो है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ऐसी और डॉग्स वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। तो भाई आज की इस वीडियो में आपके लिए अमेरिकन बुली लेकर आए हैं माइक्रो साइज में, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एंड अलग ही लुक देता है। इसी वजह से गाइस अमेरिकन बुली काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड मानी जाती है। गाइस बात करें इनकी एज वगैरह तो ओनर ने मेरे को बताया ही नहीं है, आप डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करके पता कर लेना। अभी बात करते हैं इनकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो गाइस इनकी वैक्सीनेशन जो है वो डन है, ओनर ने बताया है। एंड इनमें आपको मेल फीमेल मिल जाएगा, आपको एक मेल और दो फीमेल अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट जाके ओनर से ले सकते हो, नहीं तो इन पपीज पर डिलीवरी प्रोवाइड है विद एक्स्ट्रा चार्ज पे ऑल ओवर इंडिया। गाइस अब बात करते हैं अमेरिकन बुली के नेचर के बारे में। गाइस अमेरिकन बुली का नेचर सबको पता है, अमेरिकन बुली बहुत ही ज़्यादा गाइस फ्रेंडली होते हैं और इनको ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होते। गाइस अगर आप इन्हें सबसे सबके साथ सोशलाइज करवा देते हैं तो और भी बढ़िया है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। एंड इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा है लैब्रा होता है ना, लैब्राडोर उस जैसे ही आपको लगते हैं और इनका नेचर भी कुछ इसी तरह का होता है। और भाई अगर बात करें इनकी और नेचर में कैसा डेवलपमेंट आता है, अगर गाइस देखिए आपको माइक्रो साइज ले रहे हो तो आप छोटा घर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे घर में भी इजीली रह लेते हैं, पॉकेट साइज भी इजीली रह लेते हैं, इसीलिए इनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। आप छोटे घर में आराम से इन्हें रख सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए गाइस बात करते हैं पपीज की एज वगैरह की, तो मैंने बता ही दिया है ओनर ने प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। अभी बात करते हैं गाइस इनकी क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी एंड काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी के अंदर एंड हेड साइज अमेरिकन बुली का काफ़ी ज़्यादा ब्रूड एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता है, तो उसी प्रकार के पपी आपको दिख ही रहे हैं। तो ऐसी पपीज के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, बिल्कुल लो प्राइस में वीडियो आती रहती हैं। तो बस चलिए अभी के लिए इनके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो भाई मेल की ओनर ने डिमांड की है 12,000 रुपये, जो कि बस काफ़ी ज़्यादा लो है, एंड फीमेल की है 10,000 रुपये। तो गाइस आपको प्राइस कैसा लगा पपीज की क्वालिटी के हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।